नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूँ विभा दीक्षित, लेकर आई हूँ आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ताजा खबरें। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ बड़ा दावा किया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि जैकलिन फर्नांडिस को सुकेश चंद्रशेखर की क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने जान से बचने के लिए झूठी कहानी गढ़ी। इसके साथ ही जैकलिन ने सुकेश से गिफ्ट्स का लेन देन भी करना जारी रखा। जैकलिन ने ईडी के सामने दावा किया था कि वो सुकेश चंद्रशेखर को नहीं जानती है। चार्जशीट में यह भी आरोप लगाया गया है कि जैकलिन ने जानबूझकर अपने मोबाइल फोन से सुकेश के साथ की गई बातचीत का सभी डाटा भी डिलीट कर दिया था। वहीं जैकलिन फर्नांडिस के वकील प्रशांत पाटिल ने चार्जशीट में आरोपों से इंकार किया है और कहा है कि वो पीड़ित हैं, आरोपी नहीं हैं। आपको बता दें कि जैकलिन फर्नांडिस को सुकेश से करीब 5,71,00,000 रुपए के गिफ्ट्स मिले थे। बाकी फिल्मों की तरह विजय देवरकोंडा और अरण्या पांडे स्टारर लाइगर भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। देवरकोंडा की लाइगर को लेकर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर वारंगल शीनू ने खुलासा किया है कि उन्होंने इस फिल्म के बाद अपने निवेश का 65% गवा दिया है। जो फिल्में उन्होंने साउथ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट की हैं, उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कमाल करके दिखाया, लेकिन इस फिल्म की कमाई से वो काफी निराश हैं। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि फिल्म को जानबूझकर बर्बाद किया गया है, जिससे फिल्म के कलेक्शन पर बुरा असर पड़ा है। श्रीनू ने फिल्मों के बॉयकॉट की मांग करने वाले लोगों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई परिवार जीवन यापन के लिए फिल्म बिजनेस पर ही निर्भर हैं। श्रीनू ने कहा कि इस तरह की हरकत से कई वर्कर्स की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ रहा है, जो बॉयकॉट ट्रेंड के कारण हो रहा है। गौरतलब है कि विजय देवरकोंडा ने सोशल मीडिया पर चल रहे #BoycottBollywood कैंपेन पर नाराजगी जाहिर करी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी फिल्म के बहिष्कार का ट्रेंड भी शुरू हो गया था। इंटरनेट सेंसेशन उर्फी जावेद ने गणेश चतुर्थी से ठीक पहले एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो गणेश वंदना करती नजर आ रही हैं। अक्सर अतरंगी कपड़ों में दिखने वाली उर्फी ने गणेश चतुर्थी का ये वीडियो सलवार सूट पहनकर बनाया है। इस वजह से फैंस उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। गणेश भक्ति में डूबी उर्फी ने वीडियो में सफेद और लाल फ्लोरल प्रिंट का एक सूट पहना है और वो श्री गणेश धीमहि गा रहे हैं। आपको बता दें कि उर्फी जावेद अपने अतरंगी ड्रेसिंग सेंस को लेकर जानी जाती हैं। वो ऐसी चीजों से कपड़े पहनकर नजर आती हैं जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। वो कभी कांच की ड्रेस पहन के आती हैं, तो कभी ब्लेड से बनी ड्रेस, कभी वो जंजीर लपेटे दिखती हैं, तो कभी इलेक्ट्रिक का वायर पहन लेती हैं। इसके लिए उर्फी को तमाम हेटर्स का सामना भी करना पड़ता है। पिछले दिनों उर्फी शरीर पर कपड़ों की जगह चांदी का बल्ब चिपकाया नजर आई थी। उनकी क्रिएटिविटी देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इंडियन टेलीविजन के पॉपुलर कॉमेडी शो के नए सीजन की शुरुआत होने जा रही है। सबका पसंदीदा द कपिल शर्मा शो 10 सितंबर से एक बार फिर से शुरू होने वाला है। इस बार मेकर्स ने शो में कई सारे नए चेहरों को जोड़ा है। वहीं कुछ पुराने एक्टर्स जैसे कृष्णा, अभिषेक और भारती सिंह शो का हिस्सा नहीं रहे हैं। इस नए सीजन के प्रोमो को देखकर लग रहा है कि शो का प्लॉट एकदम अलग होने वाला है। नए प्रोमो के मुताबिक कपिल शर्मा अपने पुराने किरदार कप्पू में ही नजर आने वाले हैं, लेकिन सुमोना उनकी पड़ोसन नहीं बल्कि इस बार उनकी पत्नी बिंदु के रोल में नजर आएंगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।